हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ जो थोड़ी सी बड़ी है और इसको फेस करने के बाद हम सभी परेशान हो जाते हैं, यानी सीवियर हेयर फॉल होता है या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम या रिसीडिंग हेयरलाइन जो मेन में होता है, या फिर कई बार ये औरतों में भी देखा जाता है कि फ्रंट के बाल उनके इतने हल्के हो जाते हैं कि वो स्किन नजर आने लगती है, स्कैल्प नजर आने लगते हैं। इस तरीके से हेयर फॉल होना और बालों की ये समस्या का होना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। या तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ और पूरे साल हेयर फॉल होता है तो आप अपने डाइट को चेक कीजिए। एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या शामिल करें क्या नहीं शामिल करें जिससे आपके बाल हमेशा हेल्दी रहें, वो आप फॉलो कर सकती हैं। दूसरा एक रेमेडी मैं आज बताने जा रही हूं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ये बहुत लोगों पे मैंने ट्राई किया है, ये टेस्ट किया हुआ है। इवन मेरे जब हेयर फॉल कभी कभी बरसात में रेनी सीजन में होते हैं तो मैं भी इसी को यूज करती हूं। तो ये रेमेडी मैं अप्लाई करती हूं जिसके बाद इमीडिएटली मेरा हेयर फॉल रुक जाता है, इसलिए मैं इस रेमेडी की गारंटी दे सकती हूं कि इसके बाद आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी या फिर ऑलमोस्ट रुक जाएगी। तो ये रेमेडी आसान भी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है। अच्छा होगा अगर आप जैसे जैसे मैंने बताया है इसमें जो भी चीजें आपको यूज करनी है वो जरूर ही यूज करें, इसको किसी भी दूसरे चीजों से ना रिप्लेस करें और चार पांच चीजें इसमें एक्स्ट्रा ना मिलाएं। क्योंकि अक्सर ये देखा है मैंने कि मेरे वीडियो के नीचे कई बार कमेंट सेक्शन में रहता है कि क्या मैं इसमें ये ऐड कर सकती हूँ या वो ऐड कर सकती हूँ, ये हटा के वो डाल सकती हूँ, और एक्चुअली जो चीजें मैंने रिसर्च करके बनाया है उसमें अगर कुछ इधर उधर से एक्स्ट्रा डाला जाए या कुछ हटा दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है। तो कोशिश करें कि जिस तरीके से मैंने इसको रेडी किया है वैसे ही रेडी करें, जिस तरह से मैं इसे अप्लाई करने के लिए बताऊंगी आप उसी तरह से अप्लाई करें, तब रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे। हेयर थिनिंग या रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए ट्रीटमेंट बता रहे हैं जा रही, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चीजें भी हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सभी के सभी चीजें हेयर रीग्रोथ में तो काम आती ही है, साथ ही साथ आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसको भी रोकने में। सबसे पहले हम एक स्पून कैस्टर ऑयल डालेंगे, ये मैं एक बार के एप्लीकेशन के लिए आपको बता दे रही हूँ, और आप स्टॉक बनाना चाहें तो आप बनाकर रख सकते हैं। सेम क्वांटिटी में हम ये अनियन ऑयल ले रहे हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगला इंग्रेडिएंट हमारा होगा ये जिंजर ऑयल। मैंने अनियन और जिंजर ऑयल इसलिए लिया है, ये बने बनाए मिलते हैं, अनियन जूस और जिंजर जूस निकालने में जो मेहनत आपका लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, उसे ये इजियर है लेकिन इफेक्टिव भी उतना ही है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट कोई चीज हम अगर लगाते हैं, अनियन जूस हो गया या जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, कोई भी ऐसी स्ट्रांग चीज, तो हो सकता है वो सूट ना करे या फिर वो बहुत स्ट्रांग हो आपके बालों के लिए। तो इस तरह से बने बनाए अगर ऑयल लेंगे तो वो आपके बालों के लिए अच्छा भी होगा, माइल्ड भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। तो ये हमने मिक्स किया तीन ऑयल, इसमें कैस्टर ऑयल है, अनियन ऑयल है और जिंजर ऑयल है। अगला जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो होगा ये ब्लैक पेपर। ये हम इस तरह नहीं डालेंगे, इसको क्रश करना, मैं बस दिखा दे रही हूँ कि इस तरह के ब्लैक पेपर होंगे, और ये ब्लैक सीड्स हैं जिसको कलौंजी भी बोलते हैं या फिर नाइजेला सीड भी बोलते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि कई बार क्या होता है कि कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं कि नाइजेला सीड क्या है या ब्लैक पेपर क्या है, तो मैंने इसको दिखा दिया कि होल फॉर्म में ये इस तरह का दिखेगा। ये रहा दोनों का क्रश्ड फॉर्म, ये हम इसमें इस तरह से छोटे से चम्मच से एक चम्मच इसमें मिक्स करेंगे। तो ये हो गया आपके एक बार के एप्लीकेशन के लिए रेडी। अगर आपको स्टॉक बनाकर रखना है तो 100 ग्राम्स आप कैस्टर ऑयल लेंगे, 100 ग्राम्स अनियन ऑयल लेंगे और उतना ही जिंजर ऑयल लेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून कम से कम ये दोनों का जो पाउडर है ब्लैक पेपर और नाइजेला सीड के, ये दोनों के क्रश्ड फॉर्म में इसमें ऐड करेंगे। ये आपका पूरी तरह से एप्लीकेशन के लिए रेडी है। तो देखा आपने कितना आसान था ये बनाना, इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसको स्कैल्प में अच्छी तरह से आप कॉटन बॉल की सहायता से या फिर हाथों से ही आप फिंगर से इसको अच्छी तरह से स्कैल्प में लगाएं। जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो 2 से 3 मिनट तक इसको कम से कम आप स्कैल्प को अपने फिंगर टिप से मसाज कीजिए, स्लोली स्लोली मसाज करना है। इसके बाद आप इसको आराम से 1 से 1.5 घंटे छोड़ दीजिए। इसको आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, रात में लगाकर अगर आप इसको शार्क से कवर करके अगर पॉसिबल आपके लिए हो तो
तो इसको अगर शार्क कैप से कवर करके आप स्ट्रेट अवे इसको सुबह हेयर वॉश करें तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। इसका फायदा ये भी है कि ना सिर्फ ये हेयर फॉल रोकता है, आपके हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके बॉल पैचेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बल्कि आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि हमारे बाल पहले बहुत ज्यादा घने थे, मोटे थे, लंबे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा पतले हो गए, उसका 10 times भी नहीं रह गया है। ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। जब आपका हेयर फॉल किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा होता है, बाल झड़ते झड़ते बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं, उसके बाद लगता है पता नहीं पहले वाली वापस स्थिति में आएंगे या नहीं, तो ये पॉसिबल है। अगर आप बालों की अच्छी तरह से केयर करें तो बाल फिर से आपके पहले की तरह घने, लंबे और मजबूत हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपके बालों में क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, ये आपको देखना होगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।